नमस्ते बच्चों, आज हम हिंदी विषय का अध्ययन करेंगे। पाठ क्रमांक 16, हवा और सूरज। हमने पिछले वीडियो में देखा कि कैसे हवा बहुत तेजी से चलने लगी और थोड़ी देर में वह आंधी में बदल गई। उस आदमी का टॉप उड़ गया। देखो इस चित्र में कैसे हवा तेजी से चलने लगी और वह आंधी में बदल गई, उसके कारण उस आदमी का टॉप उड़ गया। तेज हवा के कारण उस आदमी को और अधिक सर्दी लगने लगी। तेज हवा के कारण उस आदमी को ज्यादा सर्दी लगने लगी, ज्यादा ठंड लगने लगी। उसने अपना कोट और कसकर बंद कर लिया। उसने देखो अपना कोट देखो कैसे कसकर पकड़ रहा है, क्योंकि उसे ठंड लग रही थी, सर्दी लग रही थी। हवा ने बहुत जोर लगाया पर वह उसका कोट न उतार सकी। हवा ने बहुत प्रयत्न किया, बहुत जोर लगाया पर वह उस आदमी का कोट उतार ना सकी, क्योंकि उसे ठंड लग रही थी, इसलिए उसने वह कोट कसकर पकड़ लिया। अब सूरज की बारी थी। सूरज ने अपना कमाल दिखाना शुरू किया। सूरज तेजी से चमकने लगा। अब किसकी बारी थी? हवा की बारी हो गई पर उसकी कोशिश सफल नहीं हुई। अब सूरज की बारी थी, उसने अपना कमाल शुरू किया। सूरज तेजी से चमकने लगा, मतलब उसकी धूप बढ़ने लगी। देखते ही देखते सर्दी समाप्त हो गई, मौसम गर्म होने लगा। उस आदमी को गर्मी लगने लगी। देखते देखते सर्दी समाप्त हो गई, ठंड कम हो गई और मौसम गर्म होने लगा। उस आदमी को गर्मी लगने लगी, उससे पसीना आ गया। उससे देखो इस चित्र में देखो कितना उसे पसीना आ रहा है। उसने झटपट अपना कोट उतारकर हाथ में ले लिया। उसने झटपट देखो अपना कोट उतारकर हाथ में लिया और देखो उसको कितना पसीना आ रहा है। हवा का घमंड सदा के लिए टूट गया। हवा देखो कितनी निराश दिखाई दे रही है, उसका घमंड वहां पर सदा के लिए टूट गया। वह सिर झुकाकर सूरज से बोली, तुम सचमुच सबसे ज्यादा बलवान हो। वह सिर झुकाकर मतलब शर्म से बोली कि तुम सचमुच सबसे ज्यादा बलवान हो, मतलब ज्यादा ताकतवर हो। हमें इससे सीख मिलती है कि हमें किसी अपने चीज पर घमंड नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।